नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को जब भोपाल पहुंचे तो इस बार सड़क पर सिर्फ सिक्योरिटी थी, सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस को ज़्यादा ही अलर्ट थी। प्रधानमंत्री आएंगे तो सिक्योरिटी तो होगी ही, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। मोदी का काफिला जहां जहां से होकर गुजरने वाला था वह मकानों दुकानों के दरवाजे खिड़कियाँ तक बंद करवा दिए गए थे। मोदी पहले भी आए हैं लेकिन ऐसी सुरक्षा कभी महसूस नहीं हुई। दोपहर 3:15 पर मोदी का काफिला मिंटो हॉल से रानी कमलापति स्टेशन के लिए रवाना हुआ तो सड़कों पर खड़े पुलिसकर्मी भी बैरिकेड के दूसरी तरफ खड़े हो गए थे। मोदी पुलिस कंट्रोल रूम तिराहे व्यापम चौराहे होकर 6 होते हुए रानी कमलापति स्टेशन पहुंचे। जहां जहां से मोदी का काफिला गुजरने वाला था वहां घंटे भर पहले ही पुलिस वाले दरवाजे बंद करवा चुके थे। पत्रकारों को भी फोटो वीडियो बनाने से रोक दिया गया। पुलिस किस कदर चौकस थी इस बात को समझने के लिए ये काफ़ी है कि एक दिन पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डिस्प्ले हुआ। इसमें लिखा था कि मोदी जी भोपाल आ रहे हैं, कुछ करना है क्या। सुरक्षा एजेंसियों ने अगले 1 बाद उस युवक का पता ढूंढ निकाला। वो निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील के हीरापुर गाँव का लड़का था। उस लड़के का 1 अप्रैल को भोपाल में पटवारी का एग्जाम था। पुलिस ने उसे धर दबोचा। परीक्षा दिलाने के लिए पुलिस उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर भोपाल लाई। यहाँ एलएन सिटी कॉलेज में उसे परीक्षा दिलवाई। हालांकि पूछताछ में युवक ने सिर्फ ये कहा कि ऐसा करने के पीछे उसकी गलत मंशा नहीं थी। युवक से पूछताछ जारी थी। ऐसे 1 नहीं 10 से ज़्यादा युवकों को पुलिस ने प्रदेश के अलग अलग स्थानों से दबोच लिया। उनसे पूछताछ की गई। हालांकि इसमें कुछ युवा ऐसे थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन की बात कही थी। सुरक्षा में लगे अफसरों की चौकसी का आलम यह था कि जो पत्रकार मोदी के काफिले को कवर करने के लिए पहले से सड़क के किनारे जमे थे उन्हें भी सड़क किनारे के घरों व ऑफिसों के भीतर भेजकर दरवाजे बंद कर दिए गए थे। काफिले के रूट में स्ट्रीट डॉग को भी ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जा रहा था। नगर निगम की गाड़ी 4 पहले से रूट पर तैनात थी। एक एक कुत्तों को ऐसे पकड़ा जा रहा था जैसे उनकी वजह से सुरक्षा में भारी चूक हो सकती है। ये पहली बार हुआ है जब भोपाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, DDS जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सहित सेना के कोर कमांडर्स भी यहाँ मौजूद थे। इसका मतलब ये हुआ कि देश की सैन्य रणनीति को अंतिम रूप देने वाले सभी रणनीतिकार एक दिन ही एक मंच पर यहाँ उपस्थित थे। सुबह मिंटो हॉल में जब प्रधानमंत्री मोदी पहले तो यहाँ से 2 दूर तक पूरे हिस्से को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया। यहाँ ऐसा दृश्य था कि दूर दूर तक मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मिंटो हॉल की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था सेना के पास थी। यहाँ प्रदेश के शीर्ष नेता और पुलिस अफसर को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। उस दौरान यहाँ सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।